हेलो लो प्यू गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड नेवी SSR AAMR 2020। बहुत बड़ी खुशखबरी गाइज आपके लिए, आपकी PFT की फाइनल कट ऑफ जो क्या गई है, ये पूरा जो मैंने एनालाइज जो कर लिया है, इसमें गाइज आपके सभी स्टेट की जो PFT के जो कट ऑफ अब जो आपकी गई है, इसमें मैं बता दूं गाइज आपके जो नेवी SSR NAA जो कि आपका 2 फरवरी से लेकर आपका 4 फरवरी तक एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका रिजल्ट जो नेवी SSR NAA एंड MR तीनों का साथ में 19 मार्च को आया था, और गाइज आपका MR का एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 5 फरवरी से लेकर 7 फरवरी। तो उनका फाइनल कट ऑफ सभी स्टेट का क्या रहा है, इसके बारे में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टेट बाई स्टेप समझेंगे गाइज, और सभी कैंडिडेट्स इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये जानना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको जो पता चल सकता है कि अन्य स्टेट की कंपेरिज में अपना स्टेट की कट ऑफ जो क्या जाती है, तो हमें जो अन्य की तुलना में कितनी जो तैयारी जो बेस्ट करनी है, ये जो एक कट ऑफ का सबसे बड़ा जो आपको जो बेनिफिशियल जो मिलता है। तो सभी कैंडिडेट्स को वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे गाइज, तो आपको सब चीज़ें जो समझ में आ गाइज, आपको जो ये जो कट ऑफ का जो कि SSR AAMR तीनों का जो आपको PDF वहाँ पे टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है, ये चीज़ आप जो नोट कर लीजिएगा। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो मैं सभी मैटर आपको टेलीग्राम पे जो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चलिए गाइज, इससे पहले हम जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो चलिए गाइज हम जो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज सबसे पहले आपके कट ऑफ की बात करें, तो आपको जो सबसे पहले गाइज, सबसे पहले आपको मिनिमम पासिंग मार्किंग सभी को अपनी पता है, आपके SSR की जो मिनिमम पासिंग मार्किंग है वो 4 है और AA की 5 है, ये सभी को पता है। आई होप सभी ने इस चीज़ को देखा है, अपना रिजल्ट भी चेक किया है। नेक्स्ट बात करें गाइज आपके जो कमेंट है कि आपका जो, देखिए यहाँ पे देखिए, जिस कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जाम फेल है वो तो जो यहाँ फेल हो चुके हैं, उनको जो ना तो अपने स्टेट की कट ऑफ का पता चला है, तो उनको जो देखना पड़ेगा दोस्तों कि आपकी कट ऑफ जो क्या गई है। तो इसके आपको नेक्स्ट आपके कैंडिडेट्स हैं जिनका गाइज आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो चुका है बट उनका PFT में नहीं हुआ है, तो उनको क्या कट ऑफ शो होगी, तो बिल्कुल उनको जो कट ऑफ शो हो रखी है और उनके नंबर भी शो हो रखे हैं। चलिए मैं आपको एक प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ इस चीज़ को भी। जैसा कि गाइज आप देखिए, आपके SSR के जो कट ऑफ है और AA की कट ऑफ है, AA की जो कट ऑफ है सभी को पता है गाइज 51 गया है, और आपके जो डोमिसियल सर्टिफिकेट, यानी इसका मतलब क्या है कि आपका जिस स्टेट का डोमिसियल सर्टिफिकेट बना हुआ है उसी के आधार पे आपकी जो कट ऑफ लगती है। तो आप अन्य स्टेट के अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपना जो आपका डोमिसियल सर्टिफिकेट है उसको जो आप जो फॉरवर्ड करवा सकते हैं अन्य स्टेट के, और आप जो जहाँ कम स्टेट जो आपकी जो कट ऑफ रहती है वहाँ जो फॉरवर्ड करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें गाइज आपके इस तरह का शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए गाइज आपके कट ऑफ है 45 और आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि 41.5, यानी इनके जो 41.5 नंबर आए हैं, और यहाँ पे उनकी बात करें आपके, तो देखिए 45.50 है आपके कट ऑफ, तो इन्होंने जो कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो इनको नंबर शो हो चुका है, और इनका भी लिखा देख सकते हैं आप कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड PFT, क्योंकि ये जो आपके डाउट हैं इसलिए मैं जो पूरा डिटेल से क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके जो इन्हीं के रिगार्डिंग जो कमेंट आ रहे हैं कि इनके तो जो नंबर शो नहीं हो रहे हैं, कि इनकी पट्टी जो रेड आ रही है PFT में, तो ये सारे कमेंट आपके हैं, इस पे वीडियो जो मैंने पहले ऑलरेडी दिया है लेकिन आपके फिर भी कमेंट हैं। नेक्स्ट देखिए गाइज आप जो आपका रेड जो पट्टी शो हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, तो इस तरह का आपको शो हो रहा है, और आपको यहाँ पे भी लिख दिया है कि यू हैव जो बीन शॉर्टलिस्टेड PFT कैंडिडेट,
आपको जो पीएफटी के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है, बट ये जो आपका अलॉटमेंट ऑफ पीएफटी सर्विसेज, अब जिन कैंडिडेट्स को ये रेड दिखा रहा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये जो नेवी का काम है इसको जो अपने आप जो सही कर देगा नेवी, क्योंकि आपको तो शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया है। और अब बात करें शॉर्टलिस्टेड की, अगर आपका अगर ये पट्टी शो अगर कर रहा है, अगर गाइज आप पीएफटी के लिए अगर नहीं होते तो आपका नंबर शो होता, लेकिन आपका नंबर शो नहीं हो रहा है और नंबर उन्हीं कैंडिडेट्स के नहीं हो रहे हैं जो पीएफटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और आपके नंबर कब तक शो होंगे, तो ये गाइज आपका पीएफटी का एडमिट कार्ड आएगा तब जो आपके नंबर बाद में जो शो होंगे। तो इतने जो नेवी ने जो इसको सिक्योर रखा है और आपका जो गवर्नमेंट का आदेश है उसको जो पालना भी की है, और उसके जो आपके नंबर जो शो नहीं हो रहे हैं। तो आई होप आपके सब जो डाउट जो क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ की, तो चलिए आप जो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब गाइस जो कैंडिडेट्स अगर कट ऑफ की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों एक बात जो आप नोट कर लीजिएगा, ये जो भी कट ऑफ बताई जाएगी आपको प्रूफ के साथ बताई जाएगी और आपके द्वारा सेंड की गई कट ऑफ होगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ओडिशा के जो कट ऑफ है ये जो 37.25 है। आप एक बार प्रूफ को देख लीजिए, बाद में जो हम अन्य की भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों महाराष्ट्र की कट ऑफ जो 25.25 है, जो कि आपकी है एसएसआर की। नेक्स्ट स्टेट है आपका यूपी, यूपी का जो कट ऑफ है ये है 45.50। स्टेट है गाइस दिल्ली, दिल्ली का कट ऑफ है 39, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों राजस्थान का कट ऑफ देख सकते हैं 49.75 है। दोस्तों एमआर का देख सकते हैं आपके 31.25 है राजस्थान का। नेक्स्ट है आपका हरियाणा, और उसका भी कट ऑफ आप देख सकते हैं 31.25 ही हरियाणा का कट ऑफ है। तो गाइज आप जो ये तो आप जो नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फेक नहीं है, आपके द्वारा बताई गई जो आपके द्वारा जो बताई गई कट ऑफ है यही जो हमने जो ली है। बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जो स्क्रीनशॉट भी किया था, उनको एक बार जो धन्यवाद फिर से वो व्हाट्सएप पे पूछा गया, और आपने जो अच्छे से जो जवाब भी दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गाइस हम देख लेते हैं वी एस एस आर डब्ल्यू कट ऑफ 2020, 2 से लेकर 4 फरवरी 2020 एस एस आर कट ऑफ स्टेट वाइज। गाइज आपको पता है नेवी डबले का जो कट ऑफ गया है, नेवी डबले का जो कट ऑफ गया है ये गाइज आपका है 51 नंबर, जो कि मैंने मेंशन कर दिया है, और ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में जो मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा सभी। दोस्तों एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो कि मैंने आपके यहाँ पे कट ऑफ जो कि आपको बता रखी है इसमें। नेक्स्ट देखिए पहला स्टेट देखिए गाइज आपका स्टेट है हरियाणा, और हरियाणा की बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि 56 बोल रहे हैं, और दोस्तों एक हरियाणा के ही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 57.25 बताई है, और ये जो एक्चुअली में मुझे भी जो सही लग रही है। तो गाइज आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी कैंडिडेट्स हरियाणा के बिलोंग करते हैं उनकी कट ऑफ जो क्या रही है। नेक्स्ट स्टेट बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की हम चेक कर चुके हैं, ये है 49.75। नेक्स्ट स्टेट है यूपी, यूपी का कट ऑफ और बिहार का कट ऑफ दोनों का ही गाइज आपका 45.50 है। नेक्स्ट है यूके, यूके का कट ऑफ है 44। केरला, केरला का जो कट ऑफ है ये गाइज है 41। नेक्स्ट स्टेट हम बात करें तो आपका स्टेट है एमपी, एमपी का कट ऑफ है 39.75, और दिल्ली का जो कट ऑफ है ये है 39, और झारखंड का जो कट ऑफ है ये है 38.50। तो गाइज अब की बार जो आपका सेंटर जो कि चेंज किया गया उससे कहीं ना कहीं जो आपका कट ऑफ जो गाइज डिक्रीज हुआ है, ये एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज जो गाइज बहुत जो आपको दिख रहा होगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करें आपके हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी जो कट ऑफ कही है ये 37.75। नेक्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश, इसका कट ऑफ है 37.50। ओडिशा का कट ऑफ है गाइज आपका 37.25। जेके यानी जम्मू कश्मीर का है 35.75। डब्ल्यू बी यानी वेस्ट बंगाल का कट ऑफ है 34।
तेलंगाना का दोस्तों आपका है 28, पंजाब का 27, नेक्स्ट स्टेट है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कट ऑफ है 25.25, गुजरात का कट ऑफ 25 और नेक्स्ट गाइज आपका कर्नाटका और कर्नाटका का 16। एक चीज़ आपने नोट की होगी गाइज, इनमें जो आपको जो भी जो कट ऑफ आपको मैंने बताई है ये गाइज आपकी डिक्रीज क्रम में है, यानी आपको ये जो बेनिफिशियल होगा कि किस स्टेट की तुलना में किसकी है, तो आप जो एकदम जो बेफिक्र होकर इसको देख सकते हैं कि आपकी सभी जितनी भी कट ऑफ मेंशन की है ये डिक्रीज क्रम में मैंने मेंशन की है। बहुत ज़्यादा गाइज टाइम लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जो भी कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि गाइज आपकी जो यहाँ पे जितने भी डाउट बनते हैं वो जो क्लियर करने की मैंने कोशिश पूरी जो की है। अब गाइज बात कर लेते हैं आपके एम आर की, और एम आर देख सकते हैं कि अपनी जो स्टेट वाइज क्या कट ऑफ गई है। बिहार स्टेट है सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है अब की बार 34.50 बिहार की कट ऑफ है। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ गाइज आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि 23.50 है, 23.50 या 32, ये एक बार कन्फ्यूज जो कर रहा है तो इसको जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो इसको क्लियर कर दीजिएगा स्टूडेंट जो कि देख लेंगे। राजस्थान का कट ऑफ 31.25, यूपी और हरियाणा इन तीनों का जो कट ऑफ गया है ये 31.25 अब की बार देखने को मिला है। राजस्थान जो गाइज और आपके हरियाणा इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ जाता था, लेकिन अब की बार जो इनका बराबर रहा है यूपी का भी। जो नेक्स्ट बात करें आपके जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में गाइज ये कट ऑफ जो 29.50 और 35 ये कैंडिडेट्स ने सेंड किया था, ये जो आंकड़ा जो गाइज आप सही बताइए क्या है, क्योंकि एक्चुअली में मुझे जो इतनी कट ऑफ जो आपकी जम्मू की जाती नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज आपके एमपी की, तो एमपी स्टेट है उसकी कट ऑफ है 29.75, झारखंड 26.75, तेलंगाना 28, महाराष्ट्र 25, यूके यानी गाइज उत्तराखंड आपका है 24.75, ओडिशा 23.25। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट गाइज आपका है गुजरात, गुजरात का जो कट ऑफ गया है 19.50, पंजाब का 18, छत्तीसगढ़ के 16, गोवा के 16 और मिजोरम के 16। यहाँ पे तीन की जो कट ऑफ आपको जो समान देखने को मिली है, और असम जो स्टेट है इसका जो 0.75, और गाइज आपका जो त्रिपुरा स्टेट है इसकी सबसे कम जो 13 आपकी कट ऑफ गई है। इनको भी जो गाइज आपके लिए जो इनको भी जो डिक्रीज क्रम में लिखा गया है, यानी सबसे पहले सबसे हाई स्टेट की कट ऑफ को लिखा गया है, जो कि इसी प्रकार SSR एंड AA में लिखा गया था, SSR एंड दोस्तों MR में लिखा गया था। तो आप जो एक चीज़ नोट कीजिएगा इस चीज़ को, और आप जो PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गाइज आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को भी जो डाउनलोड कर सकते हैं। आपको PDF जो वीडियो के अपलोड होते ही तुरंत आपको जो बाद में जो गाइज मिल जाएगी, आप जो 5-4 मिनट का वेट कर लीजिएगा आपको जो PDF भी जो मिल जाएगी। तो दोस्तों यही जो आपको जानकारी देनी थी, काफ़ी समय से आपके कमेंट आ रहे थे आपके नंबर 100 को लेकर कब 100 होंगे, तो आपका जैसे ही PFT का एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपकी जो डिजी चल रही है उसके कारण जो PFT का एडमिट कार्ड और आपकी जो PFT डेट थी उसको डिले कर दिया गया है, तो उसका जो आपको इंतज़ार करना है थोड़ा सा। तो आपका जो जैसे ही PFT का एडमिट कार्ड आएगा तो आपको जो नंबर भी जो 100 हो जाएंगे, तो आपको इसका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों आपके जो नेवी ने इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी ऑफिशियल अपडेट तो दी नहीं है, ये जो हम एक अनुमानित मान सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। अन्य कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।